नमस्कार भैया। नमस्कार। पिग फार्मिंग आप कर रहे हैं भैया, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है जैतराम वर्मा। जैतराम वर्मा जी, वर्मा जी। लोकेशन जानना चाहेंगे सर आपका, कि आपका कहाँ रहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से खेड़ागढ़ जिला ग्राम जरीभाट। छत्तीसगढ़ राज्य के केसीजी जिले के ग्राम देवारीभाट से आप बिलोंग करते हैं। नमस्कार मित्रों, रोजगार की ओर इस चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट पिग फार्मिंग, रोजगार की ओर चैनल की इस कड़ी में हम जानकारी देने वाले हैं पिग फार्मिंग के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण होगा कि पिग फार्मिंग में कितना मुनाफा है, लागत कितनी है, रख रखाव का व्यवस्था जो है कैसा होना चाहिए, साथ साथ नस्लों के चुनाव और फीडिंग मैनेजमेंट, बीमारी के लक्षण, उपचार और प्रकार, साथ ही बाजार व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग की आवश्यकता और महत्वपूर्ण सावधानियां किस प्रकार से रखी जाए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तब तक बने रहिए इस चैनल पर। भैया जी, पिग फार्मिंग आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से आप ये कर रहे हैं। इसको अभी मेरे को 10 महीना हुआ है चालू किए। लगभग मात्र कह सकते हैं 10 माह जो है आप ये चालू किए हैं। जब चालू किए थे तो कितने पिग से स्टार्ट किए थे सर? 9 फीमेल और 2 मेल से किए थे। अच्छा, 2 मेल सुअर थे और 9 फीमेल सुअर थे। अभी वर्तमान में आपके पास कितने पिग हैं? अभी वर्तमान में करीब 70 है। 70 पिग हैं, मतलब मात्र 10 माह में ये जो है 70 पिग हो गए हैं। आपने ये खरीद कर लाया है कि ये बच्चे खुद जने हैं ऐसा? नहीं, इसको खुद माई का बच्चा है। अच्छा, मतलब ये जो मादा 9 फीमेल जो पिग लेके आए थे उन्हीं के बच्चे हैं 70। कम समय में काफ़ी जल्दी से ग्रोथ करने वाला जो है व्यवसाय ये दिख रहा है। जब आप लेके आए थे इसको तो ये कितने वेट पर था ये बताएंगे? ये लगभग 20 किलो के लगभग रही पूरा। अच्छा, बच्चा। मतलब बच्चे एक एक जो बच्चे हैं वो 20 केजी के आसपास थे। और अभी वर्तमान में जो बड़े हो चुके हैं वो अभी कितने वेट पर होंगे? अभी सब एक क्वांटल 1.5 क्वांटल कोई 80 किलो ऐसे कुछ है। मतलब 80 केजी 1 क्वांटल 1.5 क्वांटल के आसपास जो है ये बड़े जो है हो चुके हैं। भैया जी, पिग फार्मिंग आपने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन इसके मुनाफे के बारे में आपको बिल्कुल थोड़ी जानकारियाँ ज़रूर होंगी, तो हम जो है अपने दर्शकों को 10 पिग के पर आने वाले जो मुनाफे हैं उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे। जानना चाहेंगे कि एक जो पिग है वो बेचने के लिए कितने माह में तैयार हो जाते हैं? ऐसा तो 7 से 8 महीने में लगता है। अच्छा। करीब 1 क्वांटल होने में, मतलब 7 से 8 माह में ये सेलिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। 1 क्वांटल के आसपास ये वेट, 1 से 1.5 क्वांटल जो है वेट पर ये बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पिग जो है कितने रुपए में या किस हिसाब से बिकती होगी? अब 1 केजी हिसाब से बिकता है 180 रुपया। अच्छा अच्छा, मतलब 180-200 के आसपास जो है इसका केजी रहता है। और 100 केजी का एक पिग है और उसे आप सेल कर रहे हैं तो लगभग 18,000 से 20,000 जो है आपका एक पिग से मुनाफा होता है। यदि 10 पिग का कैलकुलेशन करें तो एक सुअर में हमको 18 से 20,000 का मुनाफा हो रहा है, और 10 का इसमें गुणा करें तो बिल्कुल 2 लाख के आसपास जो है आपको इसका बेनिफिट मिलता है। बहुत ही बढ़िया व्यवसाय जो है आपने चुना है। अच्छा भैया, ये जानना चाहेंगे कि एक फीमेल जो सुअर है वो एक बार में जो है कितने बच्चे देती है?
ऐसे तो कोई 8 देता है, कोई 11 देता है, कोई 12 देता है, पर अगर राउंड फिगर में सबके 8 का एवरेज आ जाता है पूरा। मतलब मतलब एक जो फीमेल सुअर है वो एक बार में औसतन 8 बच्चे देती है, साल में ये कितने बार जो है बच्चे देती है? ऐसे तो ये तो इसका 114 दिन के घर कार्य थे और उसमें 15 महीने में 3 बार हो जाता है। मतलब 15 महीने में ये 3 बार बच्चे देती है, मतलब ये 3 गुना कर सकते हैं अपन चाहे तो। 8 बच्चे एक बार देती है, फिर 8, फिर औसतन जो है इस तरह से काफ़ी ग्रोथ इसका रेट देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी गुणात्मक मुनाफा देखने के लिए मिल रहा है। किंतु इसमें लागत पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसमें लागत लगती है, किस कितना खर्चा आता है, लागत जो है इसमें कितना आता होगा। इसमें मेरे सेट पर करीब 2 लाख रुपया लगा है। अच्छा, आपने सेट जो है तैयार किया था तो 2 लाख सेट लगाया था जी। उसके बाद जो है दूसरा जो खर्च इसमें रहता होगा कि आप पिक खरीद कर लाते हैं, वो आप कितने में और किस हिसाब से लाए थे? छोटा बच्चा लाया था तो वही 250 रुपये केजी पड़ा था। तो टोटल आप बता रहे थे कि 2 मेल सुअर थे और 9 फीमेल, ये टोटल कितने में लाए थे सर? उसका पड़ा था वही 60,000 लगभग। मतलब सभी जो है 60,000 में जी आपको मिल गए थे जी। 20 केजी के वेट के हिसाब से आपने लेकर आया था। ये तो हो गया मतलब पिग का खर्चा। तीसरा अपन देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें दाने का जो खर्च है वो है, तो दाना का खर्चा आपको कितना लग जाता होगा सर? इसमें क्या है, बाहर से अगर मार्केट से दाना लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो अपन खुद अपन घर में तैयार करते हैं तो उसमें लगभग 1 क्विंटल होने में 4 से 5 हज़ार रुपया लग जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ कंपनियां भी हैं जो इसके लिए दाना जो प्रोवाइड करती है वो काफ़ी महंगे पड़ते होंगे और कुछ लोग इसको खिलाते भी हैं, लेकिन आप कर रहे हैं घर के दाना की व्यवस्था, घर से ही कर रहे हैं। दाने के खर्च में 10 पिक पर जो है आप बता रहे हैं कि 40 से 50 हज़ार इसमें खर्च आता है। उसी तरह से आपने बताया कि शेडिंग जो है 2 लाख करीब और पिग जो है फार्मिंग आप लाए थे 60,000 में, इस हिसाब से लगभग 3,10,000 के आसपास जो है औसतन जो है लागत निकल रहा है। कह सकते हैं कि पिग फार्मिंग को यदि कोई स्टार्ट करना चाहे तो बिल्कुल 3 से 4 लाख के बीच में स्टार्ट कर सकता है 10 सुअर के साथ। ये तो हुई लागत की बात भैया, मेन चीज़ इसका होता है कि रखरखाव किस तरह से किया जाए, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, इस पर थोड़ा बताएंगे कि आपके शेड जो व्यवस्था किए हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, इसको जानना चाहेंगे सर। इसमें बाहर से बहुत सुरक्षा करना पड़ता है, कुत्ता है बिल्ली, इसके सुरक्षा के लिए थोड़ा जाली वाली रखते हैं और इसमें पक्का बहुत जरूरत है कि सुबह शाम इसको धोना पड़ता है। और इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि बाहरी अटैक से बचने के लिए बिल्ली है कुत्ता है ये अटैक कर सकते हैं इस पर, उसके लिए जो आपका शेड है वो एकदम सुरक्षा जो है के लिए पक्का होना चाहिए ताकि बाहर से कोई जानवर अंदर ना घुसे। इसके साथ साथ जो है पानी की जो व्यवस्था आप कर रखे हैं, नाद जो लगा रखे हैं आपने, पानी की व्यवस्था किस प्रकार से आप करते हैं? अभी तो इसे निप्पल लगता है पर अभी मैं ऐसे कोटना बनाया हूँ, उसमें ही पानी डाल दे देता हूँ, सुबह शाम डाल देता हूँ उसमें पीता तो रहता है। मतलब इसमें पानी पीने के लिए अलग से निप्पल रहता है, लेकिन आपने जो है नाद बना रखा है इसमें, ये बेनिफिट तो कम से कम ये है कि ये अक्सर जो है पानी में लेटने वाले जानवर हैं, तो ये नाद से ये फायदा है कि वो पानी भी पी सकते हैं और वो लेटना चाहे तो लेट भी सकते हैं। ये बढ़िया आप व्यवस्था करके रखे हैं। साथ ही आप दिख रहे हैं भैया कि अलग अलग खंडों में आपने बना रखा है कि अलग अलग खंड में जो है ये व्यवस्था जो है आपकी दिख रही है, वो किस लिए है और कितना ज़रूरी है ये बताएंगे? इसमें क्या है कि आपस में बहुत झगड़ता है तो जो ज़्यादा जानवर ज़्यादा झगड़ालू रहते हैं उसको अलग रखना पड़ता है, तो इसलिए बच्चे को अलग और नर को अलग, मादा को अलग, सबको अलग अलग रखना पड़ता है। अच्छा, ये आपस में झगड़ते हैं एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए आपने खंड खंड बना रखा है। आप बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो हैं बिल्कुल अलग खंड में हैं और जो मेल है वो बिल्कुल अलग बाड़े में, उसके लिए विशेष जो है पक्का जो है अलग खंड की व्यवस्था आपने किया है, इसका कारण जानना चाहेंगे सर?
वो क्या हीट पे आता है ना, तो तोड़ फोड़ करता है, इसलिए उसको पक्का में रखना पड़ा। अच्छा अच्छा, मतलब मादा जो है जब हीट पर आती होगी तो वो नर क्रॉस के लिए इसको आम जो कह सकते हैं खंड बना रखे हैं आपने जाली के, उसको तोड़ के बाहर भी आ जाता है, इसलिए उसको आपने पक्के में रखा है। फीमेल भी अलग अलग खंड में है, पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया आपने कर रखा है। एक हिसाब से देखा जाए तो साफ़ सफाई की कितनी आवश्यकता है, ये थोड़ा बताएंगे। साफ़ सफाई की वही सुबह शाम पानी मार दो, पानी प्रेशर से बाहर सब गोबर उबर सब बाहर हो जाता है, उसके बाद जो हो गया, मतलब साफ़ सफाई जो है के नाम पर कह सकते हैं कि सुबह आपको धोना पड़ेगा आपके जो शेड को और शाम को धोना पड़ेगा। इसके अलावा इनको नहलाने की व्यवस्था क्या रहती है, किस प्रकार से इसको नहलाते हैं, कितने समय कितना टाइम नहलाते हैं? गर्मी में 3 बार धोते हैं और ठंडक समय 1 समय। अच्छा, ठंड के टाइम में एक टाइम ही काफ़ी रहता है, लेकिन गर्मी के समय अभी काफ़ी गर्मी है, 3 बार इनको धोना पड़ता है। कुछ किसान भैया देखने को मिलते हैं कि 10 सुअर के हिसाब से वो अपना शेड तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी जो है पीक जो है बच्चे देने पर आ जाती है और सेट की कमी हो जाती है, तो आपने जो है बाद में ऐड किया है या पहले से ही सारा सेट एक साथ बनाए हैं? नहीं, मैं तो सब एक साथ ही बनाया हूँ और मेरा सेट है जिन है तो 30x50 का है। अच्छा अच्छा, और इसमें हो जाएगा पूरा, मतलब बच्चों के लिए पर्याप्त जगह है। कुछ किसान बिल्कुल इसको नज़रअंदाज करके चलते हैं, 10 सुअर पालने के हिसाब से सेट बना लेते हैं, लेकिन आगे चलकर बच्चों के लिए जगहों की दिक्कत होती है, तो एक साथ आप व्यवस्था करें। ये तो हो गया भैया रख रखाव की बात। बात करें नस्ल की, तो कौन कौन से प्रकार के नस्ल होते हैं जिसे पाला जा सकता है? ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर मेरे पास लार्ज वाइट यॉर्कशायर है और TND है। अच्छा अच्छा, और TND काला माता है और यॉर्कशायर है सफ़ेद माता है। मतलब 2 प्रकार के नस्ल आपने चुनाव किया है और इसका पालन कर रहे हैं, इसकी कौन सी विशेषता होती है जिसके कारण आप इसका चुनाव पिग फार्मिंग कर रहे हैं? इसमें क्या है, वातावरण के हिसाब से रखना पड़ता है, इसमें जन हमारे जलवायु है वो ये उसके लिए उचित है। मतलब ये उनका जो एटमॉस्फेयर है ये जो आप बता रहे हैं जो नस्ल, उसके हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ का जो एटमॉस्फेयर है वो इसके अनुकूल है। इसके साथ साथ और कौन से गुण हैं जिसके कारण आपने इसका चुनाव किया है? इसमें क्या है, ये जल्दी से ग्रोथ हो जाता है, जन ये जन टेंडी है बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करते हैं, और ये लार्ज वाइट है, सफ़ेद है वो लार्ज वाइट है। मतलब टेंडी और लार्ज वाइट जो नस्ल आप बता रहे हैं वो जल्दी ग्रोथ करता है, वेट जल्दी गेन करते होंगे। भैया जी, अगला आपसे जानना चाहेंगे कि फीडिंग मैनेजमेंट जो है इसका आप किस प्रकार से कर रहे हैं और क्या क्या खिलाते हैं इनको, ये थोड़ा बताएंगे। इसमें क्या है, बरसीम घास है। अच्छा, और मैं इसको चावल को उबाल कर और कोढ़ा दोनों डाल के उसमें थोड़ा चना भूसा मिला के पूरा खिलाता हूँ। कोढ़ा मतलब जो धान को कुटवाने के बाद जो छिलका बचता है वो, उनको और चावल को उबाल कर मिक्स करके आप जो है इनको दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ ये खा लेते हैं ये बताएंगे? ऐसे वेस्ट जैसे टमाटर हो गया, गोभी का पत्ता हो गया, जोन भी है उसको खिला देते हैं। मतलब जितना बचा खुचा कह सकते हैं वेस्टेज जो मटेरियल है घर का वो सारा चीज़ ये खा लेते हैं, बहुत ही दाने में कम खर्च के साथ ये अपना ग्रोथ ले लेते हैं। देखा जाता है कि कई लोग जो है कंपनी का दाना खिला रहे हैं, तो कौन कौन से प्रकार के दाना जो है वो आता है ये बताएंगे? पहले तो स्टार्टर, उसके बाद ग्रोवर, उसके बाद फिनिशर, ये 3 प्रकार के जो है दाना इसके लिए आता है मार्केट में। आप तो घर से बने हुए दाना का रिकमेंड कर रहे हैं। हमने अनुमान लगाया था भैया कि 10 जो है पीक पर कितना खर्चा जो है, दाना का खर्चा जो है, चारा का खर्चा जो है आता होगा। ये जो है जब बच्चे आते हैं, काफ़ी फास्ट बच्चे आते हैं, जब बच्चे आते हैं तो इसका दाने का खर्च भी बढ़ जाता होगा जी। ऐसे तो इसमें लगभग 40 दिन तो अब माँ का ही दूध पीता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके 10-20 ग्राम करके धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा, मतलब 40 दिनों तक ये बच्चे जो है माँ का अपने दूध पीती है और उसके बाद ही इसको थोड़ा दाना देना पड़ता है, ऐसा है।
ये तो हो गया इसका दाना, लेकिन एक्स्ट्रा यदि इनको कहें विटामिन या फिर कैल्शियम वगैरह कुछ और ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ दवाई या फिर कुछ और कुछ देते होंगे वो बताएंगे सर। इसमें क्या है, मिनरल है अपन मिलाते हैं और उसमें अच्छा, सोयाबीन का खली है। अच्छा अच्छा, उसको मिलाकर पूरे देते हैं कोढ़ा पर जी, इससे जो है इनमें जो जो भी प्रकार की कमी है वो पूरी हो जाती है। दोस्तों ये तो हो गई पिग फार्मिंग में मुनाफा, लागत, रख रखाव और दाना व्यवस्था, साथ ही नस्ल का चुनाव किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में हमने चर्चा किया। ये सब इतना आसान नहीं है, बहुत सारी सावधानियां पिग फार्मिंग में बरतनी पड़ती हैं जिनके अभाव में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे बीमारी के प्रकार, लक्षण, उपचार और बाजार व्यवस्था जैसे अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे इसी चैनल पर। पिग फार्मिंग पार्ट टू के रूप में सारी जानकारियाँ उपलब्ध रहेगी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में।